हाय एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज मैं कर रही हूँ किचन क्लीन अच्छे से, मतलब थोड़ा सा जो अच्छे से करते हैं ना वीकली या जो है 2 वीक में, 1 वीक में, वो जैसे भी करते हैं, सबका अपना अपना हिसाब होता है। तो मैं 1 वीक में भी कर लेती हूँ, 2 वीक में भी कर लेती हूँ, डेली तो होती है उतनी। लेकिन इस तरह से जो ये मेरी आज जो है चिमनी वगैरह की जो फ़िल्टर हैं वो मुझे साफ़ करने हैं, तो मैं आज अच्छे से पूरी किचन साफ़ करूँगी। जब से दीदी आई है इतना काम हो ही नहीं रहा है, तो इसमें ना काफ़ी ऑयल हो गया था तो अच्छा नहीं लग रहा था। कई दिन से मुझे भारी भारी सा लग रहा था, जो काम हम सोचते हैं ना और वो होता नहीं है, तो एक ऐसा अजीब सा लगता है कि आज तो कुछ हुआ ही नहीं है, बड़ा भारी भारी सा लगता है। तो बस वही सब हो रहा था। दीदी बोल भी रही थी कि मेरा आज लास्ट डे है और आज ही तो काम में इतना सारा लग गई। मैंने दीदी आज मैं थोड़ा थोड़ा शुरू कर लूँ क्योंकि काम काफ़ी है, साफ़ सफाई हो ही नहीं रही है कई दिनों से। काफ़ी टाइम तो किचन में चला जाता है, फिर बातों में चला जाता है, तो इस तरह से। और कल फिर मैंने वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करी फैब्रिक की, तो उसमें भी मेरा टाइम चला जाता है। तो बस आज मैंने सोचा चलिए आज मैं कर ही लेती हूँ, ऐसे ही करती हूँ, अगर मैं कुछ सोच लेती हूँ तो फिर वो करती ही हूँ। बाकी सोच तो मैं 2-3 दिन से रही थी, लेकिन कभी फास्ट चल रहे हैं, तबीयत नहीं ठीक सी रहती, कभी मन नहीं करता, कभी टाइम नहीं मिलता, तो बस ऐसे चल रहा था। तो आज मैंने अपनी जो है सब साफ़ सफाई शुरू कर दी है, चिमनी की मैंने फ़िल्टर निकाल के रख दिए हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली हैं, बहुत गंदे हो रहे हैं, तो उसके लिए मैंने गर्म पानी साइड में रखा है। और ये अपना जो है गैस स्टोव भी मैं अच्छे से क्लीन करूँगी, इसको मैं उस दिन कर ही देती हूँ जिस दिन मैं नया स्पंज निकालती हूँ ना, तो खासकर उस दिन तो मैं इसको अच्छे से मांज देती हूँ पूरा। पुराना जो स्पंज होता है वो मुझे अच्छा नहीं लगता गैस वगैरह पर इस्तेमाल करना, या फिर मैं अलग रख लेती हूँ। तो बस सबका अपना अपना होता है, लेकिन मेरा मन ऐसा ही करता है कि गैस स्टोव पे मैं नहीं करूँगी बर्तन वाला स्पंज, झूठे बर्तन साफ़ होते हैं तो मेरा मन नहीं करता, तो उस दिन तो मैं इसको खास कर करती हूँ। और आजकल पराठे वगैरह ज़्यादा बन रहे हैं, ऑयली ज़्यादा बन रहा है, बच्चे हैं तो इस वजह से जल्दी करना भी पड़ता है, नहीं तो फिर इसके ऊपर ना ऑयल जम जाता है और ये चिपचिपा सा हमारा हो जाता है, जिस साइड का हम ज़्यादा यूज़ करते हैं ना उस साइड का ज़्यादा होता है। और एक बार अगर जम गया ऑयल वगैरह इसके ऊपर, फिर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसको मैं जल्दी जल्दी करती रहती हूँ। और थोड़ा सा हल्का फुल्का ही टाइल कर रही हूँ, टाइल्स में बहुत ज़्यादा नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये तो डेली होती रहती हैं, या फिर होंगी जिस दिन अच्छे से होंगी। तो तीज आ रही है, सावन चल रहा है, तो थोड़ा सा साफ़ सफ़ाई करनी पड़ती है, अच्छा भी लगता है त्यौहार पर, तो वो बस यही समझ लीजिए कि सामान स्पेशल सफाई हो रही है ये, हालाँकि ऐसा कुछ नहीं है। तो ये मैं यहाँ पर दूसरा कपड़ा ले लिया है मैंने, कॉटन का बड़े वाला, इससे जल्दी हो जाएगा, वो छोटा कपड़ा था ये जो मैं चिमनी साफ़ करती हूँ जिससे ऑयल उसमें काफ़ी होता है, मतलब हम उसको चिकट बोलते हैं, चिकट काफ़ी हुआ रहता है चिपचिपा, तो उसको तो मैं फेंक देती हूँ, वो यूज़ करने लायक कपड़ा नहीं रहता है, कोई ख़राब कपड़ा लेती हूँ मैं जिससे उसको पहले मैं साफ़ कर लेती हूँ। और बस धुल धुल के कॉटन का कपड़े को अच्छे से मैं यहाँ पे इसको साफ़ कर लूँगी। और दीदी आ गई है नहा धोकर, सर धो लिया इन्होंने, तो इनको नहीं पता था मैंने यहाँ पे वीडियो लगाई है, कैमरा लगाया है, तो फिर दीदी को पता लगा था कि अच्छा तू रिकॉर्ड कर रही है। मैंने हाँ दीदी थोड़ा सा कर लूँ, कई दिनों से ना कोई रूटीन मैंने दिया ही नहीं है, बस शाम का ही चल रहा है खाना वाना ही, दीदी के चक्कर में होता है जब अपने घर कोई आता है, इस तरह पूरा ध्यान नहीं दिया जाता, तो बस आज मैंने थोड़ा सा ना चेंज किया, मैंने चलिए आज थोड़ा सा रूटीन आपको अपना दिखा देती हूँ। और दीदी यहाँ पे बात कर रही है बस चिमनी के बारे में कि कैसे निकलती है, क्योंकि दीदी के घर पे अभी तक नहीं लगी है ये, तो बस वही पूछ रहे हैं कि जितने सामान होते हैं ना उतना ही साफ़ सफाई का काम बढ़ जाता है। मैंने ये तो है ही दीदी, लेकिन आजकल काम ही नहीं चलता और मेरी किचन ये बंद है तो इसमें कहीं एग्जॉस्ट वगैरह कुछ भी नहीं है, तो ये तो उस दिन से ही लग गई थी जिस दिन हम इस घर में आए थे, पहले ही लग गई थी। तो ऊपर का मेरा कंप्लीट हो गया है और ऊपर के कपड़े भी मैंने कर दिए हैं और अब मैं नीचे के कपड़े पे आई हूँ, तो ये भी मैं अच्छे से कर देती हूँ। और ये फाइबर के हैं, इनको आप चाहे गीले कपड़े से कर लें, पानी से कर लें, या फिर क्या बोलते हैं उसको कॉलिन से कर लें, तो ये बहुत अच्छे शाइनी हो जाते हैं। सिंक वगैरह अच्छे से मांजती है। और अब रिया भी आ गई है पानी पीने के लिए, रिया बहुत ज़्यादा पानी पीती है, 2-2 गिलास खड़ी खड़ी पी लेती है, मैं मना करती हूँ बेटा खड़ी होकर मत पिया कर, बैठ के पिया कर, उनका मामी फिर मैं दूसरा गिलास लेने,
वो बार बार पानी पीती रहती है। और बस अब मैं आ गई हूँ बाहर अपने फ़िल्टर साफ़ करने के लिए। मशीन लगा रखी है, दीदी ने लगाई है क्योंकि कपड़े हो गए थे, उन्होंने नहा धो लिया है तो कल उनको जाना भी है। और यहाँ मैंने इसमें गर्म पानी डाल लिया है और मैं इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से साफ़ कर रही हूँ। सिर्फ डिटर्जेंट पाउडर डाला है, जो हमारा सर्फ होता है कपड़े धुलने वाला, वही मैंने इसमें डाला है। लेकिन ढेर सारा, बहुत ज़्यादा जो है चिपचिपापन था, बहुत ज़्यादा ऑयल हो रहा था। और फिर मैंने इसके साफ़ करने के लिए ये छोटे वाला ब्रश रखा है, इससे बहुत ही अच्छे से निकल जाता है। पहले मैं इसको करती थी जो टूथब्रश होता है ना उससे करती थी, तो वो अच्छे से नहीं हो पाता था, तो मैंने फिर ये बड़े वाला ब्रश रखा है, इससे बहुत जल्दी हो जाता है। और अब सीधा मैं मिली हूँ आपको शाम के टाइम। चाय मैंने चढ़ा दी है, यहाँ पे चाय का टाइम है तो बस वही सब चल रहा है, क्योंकि बीच में काम में लगी हुई थी, वो आपको आगे पता लग जाएगा। बताऊँगी क्या मैं बिजी थी आज, क्योंकि फिर काम के बाद मैं आपसे मिली नहीं हूँ। बीच में काफ़ी टाइम हो गया है और अब तो शाम का टाइम है, बर्तन वगैरह थोड़े से पड़े हुए हैं, ये मैं लगा देती हूँ और जब तक मेरी चाय भी बन जाएगी। और बच्चों को मैंने दूध दे दिया है, तो बस ये सब मेरा काम चल रहा है यहाँ पे। चाय वगैरह होने के बाद फिर मैं साथ साथ रख रही हूँ यहाँ पे उड़द भिगा के रखे थे, राजमा भिगो के रखा था, तो आज मैं बनाने वाली हूँ दाल मखनी। तो उड़द अच्छे से मैंने एक बार और धुल लिए हैं, सुबह भी धुल के भिगा दिए थे, लेकिन उड़द में ना एक झाग से आ जाते हैं कई बार, तो बस वो मैंने धुल दिए हैं और अच्छे से, और फिर इसमें डाल दिया है। और राजमा मैंने अच्छे से भिगा के रख दिया था, मैंने जल्दी भिगा दिया था और उड़द थोड़ा सा लेट भिगाए थे, क्योंकि उड़द जल्दी हो जाते हैं और राजमा बड़े वाला थोड़ा सा टाइम लेता है। तो बस इनको मैं यहाँ पे बॉयल होने के लिए रख दूँगी, जब तक ये आराम से बॉयल होंगे तब तक मेरे कुछ दूसरे काम हो जाएंगे, जैसे कि बर्तन वगैरह हैं तो ये काम मेरे सारे कंप्लीट हो जाएंगे। नमक डाल के रखूँगी और बाकी मैं इसमें कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, खाली नमक डाल दिया है, पानी डाल दिया है और इनको मैं बॉयल होने के लिए यहाँ पे रख रही हूँ। 3-4 सीटी लगाऊँगी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? अब मिली हूँ आपसे दोपहर के बाद, फिर सारा काम कंप्लीट करने के बाद। आज मैंने साथ साथ दो वीडियो रिकॉर्ड किए हैं, सैटरडे संडे ब्लॉग जो आते हैं फैब्रिक के, और वो मिल जाएंगे इससे पहले आपको, लेकिन ये वीडियो आपको मिलेगी बाद में। तो आज दीदी का लास्ट डे है यहाँ पे, तो मैंने सोचा चलिए आज भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ। वैसे तो आज दो वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी हैं फैब्रिक की और तीसरा ये ब्लॉग है, तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर रही थी। आज मैं कोई ब्लॉग नहीं बनाती हूँ, जिस दिन कपड़े का वीडियो बनाती हूँ, और कपड़े का भी मैं एक एक करके बनाती हूँ, लेकिन आज पर दीदी बोलने लगी कि आज मैं हूँ, चल दोनों एक साथ ही बना ले, और कल ना दीदी चली जाएगी तो फिर बच्चों का भी मन नहीं लगेगा, एकदम से बड़ा खाली खाली सा लगेगा, तो श्रेयांश बोर से हो जाएंगे एकदम। तो बस मैंने सोचा चलिए आज ही मैं काम निपटा लेती हूँ, कल थोड़ा सा बच्चे आराम से रह लेंगे। तो दोनों मैंने साथ साथ रिकॉर्ड कर लिए हैं, और अभी आई थी बारिश, अब बंद हो चुकी है। बहुत ज़्यादा गर्मी थी दिन में, एकदम से बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी, और फिर आई है तेज बारिश, लेकिन बहुत थोड़ी देर हुई है, तो बस अभी बारिश ख़त्म हुई है और मैं अभी तक सुबह से मिली नहीं थी, तो अब मैं आपसे मिली हूँ यहाँ पे। मैंने सोचा चलिए आज दीदी का लास्ट डे है, तो आज फिर मैं जो है ब्लॉग कर ही लेती हूँ, दीदी को एक बार और आपसे मिलवा दूंगी। सुबह जल्दी निकल जाएंगे वे, यही जाएंगे उनको छोड़ने के लिए, इन्हें जाना है कहीं तो उधर इनको भी छोड़ देंगे। वैसे दीदी का संडे था, अगर उनको लेने आता कोई तो वो संडे में आते परसों, आज है फ्राइडे और कल है सैटरडे, तो दीदी कल सैटरडे को चली जाएंगी। और फ्राइडे मेरी जो वीडियो गई है ना उसपे मैंने दिखाया है कि दीदी को मैंने क्या क्या दिया है, तो उसपे कमेंट आ रहे हैं आज का, मतलब काफी सारे, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, कि जीजा जी का कुछ नहीं दिया, मतलब दीदी के हस्बैंड का तो आपने कुछ दिया ही नहीं है, तो दीदी के हस्बैंड का मैंने कुछ भी नहीं दिया, मैंने दीदी को अपनी शॉप से दिया है जो भी दिया है, और क्यों नहीं दिया तो वो तो आप दीदी से ही पूछिएगा, वही रिप्लाई देंगी आपको। मैं भी बता देती हूँ, क्योंकि उनका हमने इसलिए नहीं दिया भाई साहब का कुछ भी, एक तो मार्केट से लाना पड़ता, मार्केट से दीदी वहीं से ले लेंगी, अपनी पसंद का लेंगे, तो उनके हमने दिए हैं पैसे, और पैसे कितने दिए हैं वो दीदी बताएगी, तो वो अपनी पसंद का वहां से लेंगे। अब मैं जाऊं मार्केट, मार्केट से ला के दूं, पसंद आए ना आए तो ऐसा नहीं है, दीदी वैसे भी पैसे ही लेके जाती थी जब तक मेरी शॉप नहीं थी, तो हम पैसे ही देते थे,
वो मुजफ्फरनगर से अपने आप ले लेती है अपनी पसंद का। पहले से दीदी हमेशा पैसे लेके जाती है, तो वो मुजफ्फरनगर लोकल में ही है, मार्केट है अच्छा खासा, तो वहां से लेती है। पर अब घर में शॉप हो गई है तो वहां काफी कुछ मिलता है, मतलब यहाँ घर में, तो इसलिए ले लेती है। और दीदी लेने भी गई थी शर्ट उनके लिए कि मुझे व्हाइट शर्ट ले लेती हूँ, व्हाइट तो उनको पसंद आ ही जाती है, जो इन्होंने अश्विन के बर्थडे के दिन पहनी थी। इन्होंने भी यहीं से ली थी, अपनी लोकल मार्केट से, अपनी कॉलोनी की, बल्कि अंश ने ली थी और अंश के पापा ने ली थी, श्रेय की नहीं ली है, उसकी भी पसंद नहीं आई थी। तो वहां स्टॉक खत्म है फिलहाल, वो 4-5 दिन में बोल रहे हैं आएगा स्टॉक, तो जब तक तो दीदी चली जाएगी तो दीदी से बात कराऊंगी आपकी। अब मैं चलती हूँ किचन में, खाने दाने की तैयारी करती हूँ, क्योंकि 2 वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद काफी लेट हो चुका है। अब मैं शाम का खाना बनाऊंगी। और दीदी गई है अभी थोड़ी देर पहले ही बाहर, अंश के साथ गई है, अंश गया था 1-2 कुरियर था वो करने के लिए, तो दीदी भी कुछ लेने के लिए गई है कि चलिए लास्ट डे है तो कुछ मीठा ले आते हैं। दीदी बहुत, मतलब बच्चे भी, मम्मी आपने तो बोला था कि आज कुछ लेके आएंगे बाहर से लेके आएंगे, बच्चों को ना होता ही है बाहर का खाने का, तो दीदी शायद घेवर लेने गई है, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो मुझे पता नहीं है। तो जब तक मैं किचन में चलती हूँ, थोड़ा सा काम देखती हूँ, जब तक दीदी भी आ जाएगी फिर मिलाऊंगी आपको। चलिए तो, और हाँ इतना सोचने के लिए और वीडियो को इतना सारा प्यार देने के लिए, अच्छे अच्छे कमेंट करने के लिए थैंक यू सो मच, लेकिन जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में फिर से, बर्तन वगैरह मैंने कर लिए हैं शाम के जो पड़े हुए थे, और यहाँ पे कढ़ाई में चढ़ाया है घी, क्योंकि बिना प्याज की सब्ज़ी आजकल बन रही है तो मैं घी में ही बनाऊंगी, और वैसे भी दाल मखनी बना रही हूँ तो ये तो घी में या बटर में ही बनती है, ज़्यादा अच्छी लगती है, हालाँकि बना सकते हैं ऑयल में भी, लेकिन ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। हींग जीरा डाल दिया है, हींग मैं मोस्टली सब्ज़ी में डालती ही हूँ क्योंकि हींग अच्छा रहता है डाइजेशन के लिए, तो डलता ही डलता है, कोई सब्ज़ी ऐसी होगी जिसमें नहीं डालती, नहीं तो डलता ही है। और जैसे जीरा हींग हो गया, फिर मैंने इसमें डाल दिया है धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, आँच मैंने बिल्कुल लो कर दी थी, नहीं तो मसाले हमारे जल जाएंगे, क्योंकि प्याज नहीं होता ना तो सूखे मसाले जल्दी हो जाते हैं और फिर कलर उनका चेंज होने लगता है, तो थोड़ा कलर पहले ही मतलब देख लें कि हाँ थोड़ा सा अभी बाकी है, तभी जाके मैंने इसमें बाकी के मसाले डाल दिए हैं। और फिर डाल दिया है टमाटर, हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट। अदरक आप चाहे ऐसे डाल लें पहले भी, या तो फिर मैं तो टमाटर में ही पीस लेती हूँ। और इसको अच्छे से कवर कर दिया है, नमक डाल दिया है, और अब देखिए कुछ देर बाद मैं इसको यहाँ पे चेक कर रही हूँ, मसाला सेपरेट हो गया है, तेल वगैरह सब अच्छे से भुन गया है। अब यहाँ पे ऐड कर रही हूँ इसमें राजमा मसाला और गरम मसाला, तो दोनों मसाला मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं इसमें, क्योंकि खड़े मसाले वगैरह नहीं है, प्याज नहीं है, तो गरम मसाला भी डाला है और राजमा मसाला भी। और कुकर में बॉयल रखे हैं तो मैं इसको कुकर में ही पलट दूँगी, कढ़ाई में नहीं डाल रही हूँ, ज़्यादा दाल है तो कुकर काफ़ी बड़ा है तो उसमें अच्छे से हो जाएगी। और दाल राजमा बहुत ही उड़द राजमा बहुत ही अच्छे से बॉयल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही मतलब घुली घुली सी हमारी दाल मखनी बनने वाली है। पानी ऐड कर दिया है, दाल बहुत ज़्यादा थी तो थिक थी, फिर मैंने इसमें पानी भी ऐड कर दिया है और इसको छोड़ देंगे पकने के लिए। और थोड़ी देर बाद मैं इसको चेक करके यहाँ पे देख रही हूँ, प्लेट मैंने इसके ऊपर ढक दी थी, ढक्कन नहीं लगाया था, ऐसे ही खुला ही पका रही हूँ, तो देखिए कितना अच्छा सा टेक्सचर आया है, अच्छी घुली घुली हमारी दाल बॉयल थी। और जब भी दाल मखनी बनाए ना, दाल राजमा अच्छे से बॉयल होना चाहिए, खड़ा खड़ा नहीं होना चाहिए, अगर खड़ा खड़ा होगा तो वो लुक नहीं आता है दाल का, ना ही टेस्ट आता है। और क्रीम डाल दी है मैंने इसमें, आधा कटोरी मलाई फैट ली है वो मैंने इसमें डाली है, क्रीम नहीं है, मैं मलाई ही यूज़ करती हूँ, तो मलाई को पहले फिर इसे निकाल दिया था, फिर उसको फैट लिया है अच्छे से। और फिर इसमें 2 से 3 चम्मच भर के मैंने डाल दिया है मक्खन, बटर जो रेडीमेड है, मक्खन दाल मखनी है तो मक्खन तो डालना ज़रूरी है। बहुत ही टेस्टी सी हमारी दाल मखनी बन गई है, और इधर चावल भी मेरे बन रहे हैं। अच्छा, आपको एक
भाई को क्या करो उसमें या पॉलीथिन में चल सके काम थोड़ी सी लंबी लंबी दीदी आपने तो इतना सारा रख लिया और कमेंट आ रहे वीडियो पे कि हमने भाई साहब का कुछ नहीं दिया बताओ हमने क्यों नहीं दिया भाई साहब के लिए हमने पैसे ले लिए वो अपनी पसंद का खरीदना पसंद करते हैं तो इसलिए देखो ऐसा नहीं है हम भूल रहे हैं हम हमने दिया नहीं है दिया है हमने पैसे दिए हैं मैं ने दिए पापा ने दिए घर एक ही अलग तो नहीं है ना मैंने बोला था ना कि हम पैसे देते हैं या वीडियो जीजा जी को जरूर दिखा दियो जाते कब जालेंगे लाओ भाई पहले तो मारने हमके पैसे दे। ये देखो हो गया हो गया भाई लेट लगा रहे बहना तैयारी कर रही सब लीन है तैयारी में और मेरे देखो ये क्या हो गया आज ये पता नहीं क्या हो गया आज यहाँ पे मैं रेड हो रहा मोटा मोटा और गर्मी तो मेरा खाना रेडी हो गया है बस रोटी सेकनी है पहले मैं पापा को खाना दे दूँ और इनकी अभी तैयारी चलने देते हैं ये आराम से खा लेंगे रोने लगा अच्छा रोने लगे बेटा और अश्विन ना बार बार रो रहा है कह रहा है कि मुझे नहीं जाना है ना अश्विन नहीं जाना ना मेरा बच्चा नहीं जाना खाना लगा दिया है मैंने तो सबको खाना दे दूंगी अब फिलहाल मैं तैयारी हो चुकी है पापा को खिला दिया है और इनके लिए भी लगा दिया है तो फुलके भी सेक दिए हैं जिसको लेने हैं ले लेंगे जिसको नहीं लेने नहीं लेंगे वैसे कम ही लोग फुलके लेते हैं हमारे घर में ना चावल होता है तो कम लेते हैं बच्चे बिल्कुल नहीं लेंगे रिया लेगी ये लेंगे और मैं लूँगी क्योंकि शाम को तो मैं खाना खाती हूँ पूरा तो मैं फुलके लेती हूँ खाली चावल में तो काम नहीं चलता चावल खाने से ना फिर बहुत जल्दी भूख लग जाती है पूरे दिन के भूखे रहते हैं तो मैं दो रोटी लेती हूँ और चावल सिर्फ चखने के लिए लेती हूँ तो ये मेरा रात का खाना होता है तो ये सब यहाँ पे खाने पीने में लगे पड़े हुए हैं मैं इनको फुलके गरम गरम सेक के दे रही हूँ बीच बीच में और यहाँ पे टीवी भी चल रहा है खाना वाना हो गया है और अब बारी आई है मीठे की तो मैंने बोला था ना दीदी घेवर लेके आएगी तो उनके जाने के लिए भी घेवर आया है और यहाँ के लिए भी आया है जो लेके जाएंगी ना तो वो भी घेवर लेके आई है अपनी पसंद की बच्चे ले आए हैं लिवा के साथ में ये ले आते हैं तो हम दीदी को भेज देते हैं कि जो भी लेके जाना है वो आप अपने आप ले आओ अपनी पसंद का तो बस वो ले आई हैं और यहाँ पर सबको अब घेवर सर्व होगा और सबका खाना पीना हो चुका है बस बातें करने का ना टाइम नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी तो यहाँ पे दीदी कुछ बोल रही है मैं बातें सुन रही हूँ और मेरे बर्तन अभी पड़े हुए हैं तो बस अब मैं बर्तन करने के लिए चलूँगी यहाँ दीदी मुझे सीरियल के बारे में ही कुछ बात बता रही है क्योंकि मैं नहीं देखती हूँ ना तो दीदी देखती है तो मैं पूछ रही दीदी मुझे इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा तो बस वही बता रही थी लेकिन लेट हो रहा है और आइए आप लोग भी घेवर खा लीजिए बहुत ही टेस्टी है मावे वाला घेवर है और आज वीडियो में और ज़्यादा आगे मैं रिकॉर्ड कुछ भी नहीं करूँगी बाय वगैरह मैं यहीं पे बोल दूँगी आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा मिलूँगी कल एक प्यारे से अच्छे से ब्लॉग के साथ तब तक के लिए बाय बाय थैंक यू फॉर वॉचिंग।